शुल्क अगर ना बुझाबी छी तो ओकर घर के लाइन काट देवल जेतै, का ई बात हेतै? जी, ई सूचना ऑलरेडी नेपाल विद्युत प्राधिकरण के विद्युत महसूल संकलन नियमावली में व्यवस्था ये है कि कौन भी ग्राहक के अगर 3 महीना से ज़्यादा और 60 दिन से ज़्यादा बाकी बकौता है तो विद्युत प्राधिकरण वही विनियमावली के तहत ग्राहक के जोनसु के बेरा भी लाइन काट सके। लेकिन रौतहट जिला में बहुत ग्रामीण भी के जनता है, ओकरा सके नियमावली के बारे में अच्छा तरह से जानकारी न होला कारण से हम सब एक थप जानकारी के लिए विद्युत प्राधिकरण से हम सब एक सूचना के रूप में प्रवाह कर ले कि जोन भी ग्राहक के 60 दिन से ज़्यादा बाकी बकौता है वही ग्राहक के यही सूचना के मार्फत जानकारी हो के और विद्युत महसूल अपन समय में बुझावे के लिए और अनावश्यक झंझट और जरिवाना से बचे के लिए। जैसे देखा जाए अपने शुल्क के लिए तय कर, लेकिन रौतहट जिला में सरकारी कार्यालय कोनो वर्षों से नहीं बुझल है, तो बारे में कथी अपने के निर्देशन है? हम सब अयला के बाद में सरकारी कार्यालय सबके भी बेला बेला में हम सब पत्र कटले छे और यही तहत में अपने के जानकारी होय के चाहिए। गौर अस्पताल में विगत लंबा समय से बहुत ज़्यादा बाकी बकैत रही है और यही साल में गौर अस्पताल हमारा सबके पत्र द्वारा 3-4 बार जानकारी कराला के बाद उनको सब मंत्रालय से सिर्फ अति कह के 40 लाख रुपया भल 2 महीना पहले 3 महीना पहले गौर अस्पताल भी तिर रहे और सरकारी अस्पताल अति कराला से भी पैसा तिर रहा और उनका सबके भी हम सब पत्र काट ले छी और फिर यही महीना में भी हम सब फिर सरकारी कराला से के बाकी बकैता के बेला बेला में मतलब जानकारी के लिए और पत्र काटे के कौन को जगह पर लाइन भी हम सब काट लेंगे। जैसे देखा जाए CDO कार्यालय, SP कार्यालय, मालपत कार्यालय, अदालत, गौर नगर पालिका कार्यालय, जितना भी सरकारी कार्यालय देखे तो इस सब कौन कार्यालय कई साल से बाकी बा?